आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु महाराज के बारे में विस्तार से। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जाएगी शुक्रवार को। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन या सहस्र अर्जुन के रूप में भी जाने जाते हैं, हिंदू धर्म में विष्णु के मानस प्रपुत्र तथा सुदर्शन के अवतार और धन और खोए कीर्ति बल के देवता है। पुराणों के अनुसार उन्होंने 7 महाद्वीपों एवं ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर धर्म पूर्वक 85,000 वर्षों तक शासन किए। उन्हें 1,000 हाथ वाले देवता और भगवान दत्तात्रेय नारायण के एक महान भक्त के रूप में वर्णित किया गया है, जिनके सामने राक्षस राजा रावण चींटी के समान था। अगर आप भगवान कार्तवीर्य अर्जुन सहस्रबाहु अर्जुन या सहस्र अर्जुन महाराज की आराधना करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय कार्तवीर्य अर्जुन, जय सहस्रबाहु अर्जुन या जय सहस्र अर्जुन महाराज अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। श्रीमद् भागवत पुराण के 9.23.25 में कहा गया है कि पृथ्वी के अन्य शासक बलिदान, उदार दान, तपस्या, योगिक शक्तियों, विद्वानों के प्रदर्शन के मामले में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकते, न भूत न भविष्य। सम्राट अर्जुन की राजधानी माहिष्मती नर्मदा नदी के तट पर थी, जहां पर उन्होंने रावण के अलावा नागों के राजा कारकाइटक नाग को भी हराकर बंदी बना रखा था। जानिए क्या था इनका मूल नाम। कार्तवीर्य अर्जुन का मूल नाम अर्जुन था। कार्तवीर्य इन्हें राजा कृतवीर्य के पुत्र होने के कारण कहा गया। अन्य नामों में सहस्रबाहु अर्जुन, सहस्रबाहु कार्तवीर्य या सहस्र अर्जुन इन्हें 1,000 हाथों के वरदान के कारण, है वंशाधिपति, है वंश में श्रेष्ठ राजा होने के कारण, माहिष्मती नरेश, माहिष्मती नगरी के राजा, सप्तद्वीपेश्वर, 7 महाद्वीपों के राजा होने के कारण, दशग्रीव जय, रावण को हराने के कारण और राजराजेश्वर, राजाओं के राजा होने के कारण कहा गए। जानिए कितनी सेनाएं थी कार्तवीर्य अर्जुन महाराज के पास। कार्तवीर्य अर्जुन महाराज के पास 1,000 अक्षौहिणी सेनाएं थी। यह भी एक कारण है कि उनका नाम सहस्रबाहु था, अर्थात जिसके पास सहस्रबाहु अर्थात सहस्त्र सेनाएं अक्षौहिणी वर्ग में हो। इस बार 8 नवंबर को राजा सहस्रबाहु अर्जुन महाराज की जयंती है। वाल्मीकि रामायण में इनका वर्णन मिलता है। उसके अनुसार प्राचीन काल में महिष्मती, वर्तमान महेश्वर नगर के राजा कार्तवीर्य अर्जुन थे। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर वरदान में उनसे 1,000 भुजाएं मांग ली। इससे उसका नाम सहस्त्रबाहु अर्जुन हो गए। जाने सहस्त्रबाहु अर्जुन से जुड़ी खास बातें। एक बार रावण सहस्त्रबाहु अर्जुन को जीतने की इच्छा से उनके नगर गए। नर्मदा की जलधारा देखकर रावण ने वहां भगवान शिव का पूजन करने का विचार किया। जिस स्थान पर रावण पूजा कर रहा था वहां से थोड़ी दूर सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा में मग्न। अर्जुन ने खेल ही खेल में अपनी 1,000 भुजाओं से नर्मदा का प्रवाह रोक दिया। जब रावण ने ये देखा तो उसने अपने सैनिकों को इसका कारण जानने के लिए भेजा। सैनिकों ने रावण को पूरी बात बता दी। रावण ने सहस्त्रबाहु अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। नर्मदा के तट पर ही रावण और सहस्त्रबाहु अर्जुन में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिए। जब यह बात रावण के पितामह दादा पुलस्त्य मुनि को पता चली तो वे सहस्त्रबाहु अर्जुन से रावण को छोड़े के लिए निवेदन किए। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया और उससे मित्रता कर ली। महाभारत के अनुसार एक बार सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना सहित जंगल से गुजर रहे थे। उस जंगल में ऋषि जमदग्नि का आश्रम था। सहस्त्रबाहु ऋषि जमदग्नि के आश्रम में थोड़ी देर आराम करने के लिए इच्छा से रुक गए। ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी जो सभी इच्छाएं पूरी करती थी। उसकी सहायता से ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु और उसके सैनिकों का राजसी स्वागत किए। कामधेनु का चमत्कार देखकर सहस्त्रबाहु बलपूर्वक उसे अपने साथ लेगा। उस समय आश्रम में ऋषि जमदग्नि के पुत्र परशुराम नहीं थे। परशुराम जब आश्रम में आए तो उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन के अत्याचार के बारे में पता चला। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो उठे। वे कंधे पर अपना परशु रखकर माहिष्मती की ओर चल पड़े।
सहस्त्रबाहु अभी महिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु महाराज ने जब यह देखा कि परशुराम महाराज उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी सेनाएं खड़ी कर दी। परशुराम महाराज ने अकेले ही सहस्त्रबाहु महाराज की पूरी सेना का सफाया कर दिए। अंत में स्वयं सहस्त्रबाहु परशुराम से युद्ध करने के लिए आ परशुराम ने उसके हजार भुजाओं को अपने फरसे से काट डाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध कर दिए। इस घटना का प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने बाद में ऋषि जमदग्नि का वध कर दिए। अपने निर्दयी पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम महाराज ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। कलवार अथवा शौंडिक, कलाल, कलार एक भारतीय जाति है जिसके लोग ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर एवं मध्य भारत के अन्य भागों में पाए जाते हैं। पारंपरिक रूप से शराब बनाने के व्यवसाय से जुड़े हैं, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में कलवार लोगों ने इस व्यवसाय को छोड़कर अपने समुदाय के संस्कृतिकरण करने का संकल्प लिए। भारत और नेपाल में निवास करने वाली एक समुदाय जाति है जो पारंपरिक रूप से कलाल शराब मद्य के निर्माण और विक्रय में संलग्न रही है। भारत में ये लोग मुख्यतः उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य भारत के कुछ भागों के निवासी है। 20वीं शताब्दी में इनके कुछ संगठनों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग कर नए कार्य करने का निर्णय लिए। जानिए इनका इतिहास। चूंकि उनके शराब बनाने और विक्रय करने का वंशानुगत व्यवसाय तुच्छ माना जाता है, इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में दक्षिण एशिया की जाति व्यवस्था में कलाल को निम्न वर्ग में माना जाता था। यह स्थिति तब बदल गई जब कलाल प्रमुख जस्सा सिंह की 18वीं सदी में राजनीतिक शक्ति बढ़। जस्सा सिंह ने अपनी पहचान को अहलुवालिया के रूप में ही रखा, जो उनके पैदाइशी गांव का नाम है। इसी नाम से उन्होंने कपूरथला राज्य की स्थापना की। जस्सा सिंह से प्रेरित होकर अन्य सिख कलालों ने अहलुवालिया उपनाम को स्वीकार कर लिया और अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिए। शराब के निर्माण और विक्रय पर ब्रितानी प्रशासनिक उपनिवेश द्वारा लगाए गए नियमों ने इस प्रक्रिया को और तेजी से कम कर दिया और 20वीं सदी की शुरुआत में अधिकतर कलालों ने पुस्तैनी व्यवसाय को छोड़ दिए। इसी समय से अहलुवालिया लोगों ने अपनी स्थिति को खत्री अथवा राजपूत मूल के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिए। अगर आप भगवान कार्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रबाहु अर्जुन या सहस्रार्जुन महाराज की आराधना करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय कार्तवीर्य अर्जुन, जय सहस्त्रबाहु अर्जुन या जय सहस्रार्जुन महाराज अथवा हरिओम तत्सत लिखना न भूली। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।